भी तो पछताएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो भी सगी संबंधी हैं, जो भी हमारे परिवार से हमारे रिश्ते संबंध हैं, एक ना एक दिन सब समाप्त हो जाना है। इस जीवन का जो सार है हम उसे भूल बैठे हैं, और इस जीवन का सार राम है और उस राम को ही हम भुला बैठे हैं। आइए इस प्यारे भजन के साथ हम सुनते हैं और सीख लेते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, कहता है स्वरूप का हमें अहंकार होता है कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, और जिस धन का हमें अहंकार होता है, ये सुंदर स्वरूप, ये सुंदर शरीर और ये धन संपत्ति सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। एक दिन हंसा अकेला साथ कहां तक देगा। बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा।
लेकिन एक दिन वो भी बेटी आपको छोड़ करके चली जाएगी। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पड़ोसी वाले बहुत अच्छे हैं, अब उन पड़ोसियों की क्या स्थिति है?